नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। वर्षों से मजबूरी में फंसे स्व सहायता समूह बाजार से कहीं अधिक मूल्य पे घटिया और स्तरहीन सामग्री प्राप्त कर अपना काम चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेता कम ठेकेदार ओमू टावरी अपनी जेब भरने में लगा है, जिसके चलते शासन की योजना धरी की धरी रह गई है। ओमू टावरी ने भाजपा शासन में तो खूब माल बटोरा ही, और अब कुछ कांग्रेसी नेताओं के सहारे इनकी चप्पू इस सरकार में भी चल पड़ी है। आइए देखते हैं इस पर बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। विगत 10 वर्ष से अधिक समय से भाजपा नेता ओमू टावरी सुपोषण अभियान में मलाई चाट रहे हैं। भाजपा ही सरकार की वापसी की प्रतीक्षा में सुपोषण अभियान को मट्टी पलित करते घटिया स्तरहीन अनाज व रेडी टू ईट की सामग्री में भारी घोटाला किया है। इसकी जाँच की जाए तो संभवतः यह जिले का सबसे बड़ा घोटाला सिद्ध होगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह संयोजक आशुतोष पांडे का कहना है कि हम ऐसी लूट के खिलाफ अभियान चलाएंगे जो जनता के हक की लूट करने वालों का चेहरा समाज के सामने लाएगा। उनको यह बताएगा कि ये जो नेता बने घूम रहे हैं, उनको और इनकी पार्टी को जनता पहचाने। अंग्रेजी राज में भाजपाई ठेकेदार भाजपाई नेता मलाई चाट रहे हैं। कुंडा गांव में सुपोषण योजना में ओमू टावरी, जो कि भाजपा नेता है, विगत 10 वर्षों से अधिक समय से बट्टा लगाने में लगे हुए हैं। शासन की यह योजना जो बच्चों के लिए है, उसका भी उसमें भी भ्रष्टाचार करके इन्होंने घोटाला का कीर्तिमान स्थापित किया है। आपने स्थिति यह कर दी कि आप स्व सहायता समूह मजबूर है इनसे घटिया स्तर का सामग्री खरीदने के लिए। इस तरह इन सामग्री, आवश्यकता से कम सामग्री, इस प्रकार का घोटाला करने में माहिर ओमू टावरी खुद भाजपा नेता है और कुछ कांग्रेसियों के सहयोग से ये घोटाला ये वर्तमान में भी कर रहे हैं और अपने शासनकाल में भी करते थे। इनके विरुद्ध यदि जांच खड़ी की जाए तो कुंडा गांव का सबसे बड़ा घोटाला इनके ऊपर ही निकलेगा। आम आदमी पार्टी ऐसे घोटालेबाजों के खिलाफ मोर्चा खोलती है और आंदोलन का आह्वान करती है कि जनता पहचाने ये ठेकेदार हैं, ये नेता नहीं है, ये दलाल हैं, और इनका केवल और केवल एक उद्देश्य है भ्रष्टाचार और अधिक से अधिक धन कमाना, जनता की खून को चूसना और लूट करना। हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं। आने वाले समय में इनके विरुद्ध प्रचंड आंदोलन चलाया जाएगा। तो ये थी कोंडागांव से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।